छत्तीसगढ़ नारायणपुर में आईटीबीपी और डीआरजी द्वारा पूर्ण डिमाइनिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। लगभग 40 कर्मियों की पार्टी धनोरा से रैनार एक्सेस तक आरएसओ एंड डिमाइनिंग ऑपरेशन में थी। पिकेटिंग पॉइंट की तलाशी लेने के दौरान सीटी जीडी राम कैलाश को मुरुम खदान के पास सीओबी धनोरा से लगभग 1200 मीटर दूर एक मैकेनिज्म से जुड़ी दो आईईडी 2 किलोग्राम मिली। आईईडी को सड़क के बाईं ओर 20 मीटर दूर रखा गया था। आईईडी की खोज के बाद पार्टी कमांडर ने धनोरा में तैनात आईटीबीपी बीडीडीएस टीम से संपर्क किया। बीडीएस टीम के पहुंचने के बाद पूरे सुरक्षित तरीके से आईडी को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया। नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन में 29वीं वाहिनी आईटीबीपी नारायणपुर जिले में लगातार अच्छा काम कर रही है। सुरक्षा बलों ने बस्तर संभाग के सुकमा जिले के जंगल में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों की डंप साइट से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। सुकमा जिले के थाना किस्टा राम एवं भेजी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनेशन, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। थाना किस्टा राम क्षेत्र के अंदरूनी ग्राम पाला चलमा मेटागुड़ा के पास नक्सलियों की उपस्थिति है। साथ ही थाना क्षेत्र भिजी में भी वीरा भट्टी मैलासुर भंडार पदर के पास नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर कार्रवाई हेतु डीआरजी व बस्तर फाइटर की टीमें रवाना की गई थी। दोनों ही टीमों के द्वारा आज सघन सर्चिंग अभियान किया जा रहा था। इसमें आज लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास किस्टाराम क्षेत्र के जो मेटागुड़ा क्षेत्र है वहां पर नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को आता देखकर वहां पर अपना सामान छोड़कर भागे हैं। और साथ ही थाना भेजी क्षेत्र में भी वीरा भट्टी के समीप नक्सलियों द्वारा पुलिस टीम को आते हुए देखकर वहां से भागे हैं, जहां पर दोनों ही स्थानों पर वीरा भट्टी में और मेटागुड़ा पे डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान किया गया, जहां पर नक्सलियों द्वारा छिपा कर गया रखा गया डंप भारी मात्रा में बरामद किया गया है। भारतीय किसान संघ जिला मुंगेली द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं किसानों की विभिन्न आवश्यक मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम कलेक्टर मुंगेली को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से मुंगेली के ग्राम भालापुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला है, जिसमें अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, राजनीति, इतिहास एवं वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त हैं, जिससे बच्चों की अध्यापन व्यवस्था ठप है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो भालापुर में ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग 550 है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भालापुर को पीएम श्री योजना में शामिल किए जाने सहित किसानों के हित के लिए नवागढ़ राज्य मार्ग से गाड़ा मोड़, व्याहा, मानिकपुर, भालापुर, दुल्हापुर, दामापुर होते हुए कबीरधाम कवर्धा में जोड़े जाने की मांग की गई है। अलग अलग मांगों को लेकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के हित से संबंधित मांग है, किसान आम लोगों के आने जाने के लिए सड़क की मांग है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भालापुर, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं और वहाँ शिक्षकों की कमी है, तो हम लोग वहाँ तत्काल शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, इस मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं। दूसरी जो मांग है कि केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्री योजना, जिसमें हमारे ग्राम भालापुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भालापुर को भी पीएम श्री योजना में जोड़ा जाए, शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी के सेंट्रल जेल में भी खास नज़ारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बहनें सुबह से ही अपनी भाई की कलाई में राखी बांधने पहुंच रही हैं। बहनें जेल में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक भाइयों को राखी बांध सकती हैं। अलग अलग जिलों से बहनें सेंट्रल जेल पहुँच रही हैं। लंबे समय के बाद अपने भाइयों से मिलने को लेकर बहनों में खासा उत्साह है, तो कुछ की आँखें नम हो गई हैं। अब तक करीब 300 से अधिक लोग अभी तक अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांध चुकी हैं। अंदर जो है अभी तक 297 महिलाओं ने मुलाकात कर ली है अपने भाइयों से, और उनके लिए अंदर पूरी व्यवस्था की गई है धूप पानी से बचाव के लिए, और जैसे ही पंजीयन करा के वो अपनी प्रक्रिया पूर्ण करके जेल गेट पे प्रवेश कर रही हैं और अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं।
अरुण साव ने भाजपा के शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी की सदस्यता होती है, फिर संगठन के चुनाव भी होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं। बैठक लेकर प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर योजना बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। पार्टी के संविधान के अनुरूप नियमित अंतराल में पार्टी की सदस्यता होती है, फिर संगठन के चुनाव भी होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं और इस अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। बैठक में किस प्रकार से प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर योजना बनेगी। रक्षाबंधन के पर्व पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि आज भाई बहन के अटूट अपार स्नेह का पर्व रक्षाबंधन है। मैं प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस पवित्र त्यौहार पर आपस में स्नेह के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज भाई बहन के अटूट अपार स्नेह का पर्व आज रक्षाबंधन है। मैं प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस पवित्र त्यौहार पर आपस में स्नेह के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।